ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी पेरेंट्स या कोई अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही जैसे प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आते जा रहे हैं, सभी को मालूम है कि 10 अक्टूबर को हमारा प्रारंभिक परीक्षा है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का। तो इसको देखते हुए बहुत सारे विद्यार्थी के जो है ना क्वेरीज आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड। तो इस आज वीडियो में, एक दो मिनट का वीडियो है, अधिक समय आपका नहीं लूंगा, ऐसे मैं चार पॉइंट्स पे बात करूंगा या फिर ऐसे चार चीजें जो अपने साथ आपको ले जाना अनिवार्य होगा, आपकी नेसेसिटी होगी कि आप इन चारों चीजों को अपने साथ ले जाएं, अदरवाइज यू विल बी नॉट अलाउड टू इंटर इन एग्जामिनेशन वेन्यू। और यू कहूं तो इनस्टीड, इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं कि आपको परीक्षा देने के लिए कह सकते हैं कि मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे कौन से ऐसे चार बिंदु हैं या फिर कौन से ऐसे चार चीज हैं जो हमें अपने साथ कैरी करना है, अपने साथ ले जाना है, अदरवाइज हमें एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा देने के, हम एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो यूपीएससी के द्वारा स्पष्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से जो हमने चार चीजें कलेक्ट की हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि हमने ई एडमिट कार्ड को सारे विद्यार्थी, जैसे ई एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था सबने डाउनलोड कर लिया, तो इसके प्रिंट आउट फॉर्म में, मतलब ई एडमिट कार्ड तो एक तो मोबाइल में पीडीएफ फॉर्म में निकला है, ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप से भी, जैसे कहीं से भी आप डाउनलोड किए होंगे तो वो पीडीएफ फॉर्म में, उसके प्रिंट आउट फॉर्म जो है आपको निकाल के आपके अपने साथ ले जाना है। मैं तो बार बार विद्यार्थियों से कहता हूं कि एक नहीं, आप उसको 8-10 प्रिंट आउट करवा ले, एक दीवार पे चिपका दे ताकि आपको याद रहे इतने तारीख का एग्जाम है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आप एक दो है जो ऐसे जगह रख दें जो कॉमन जो डायरी वगैरह होती है उसमें, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि अगर मान लेते हैं आप एक ही प्रिंट आउट निकालते हैं एग्जामिनेशन के दिन, आपने कौन से बुक्स में, कौन से डायरी में, कौन से फाइल में रख दिया, ढूंढ रहे जब सुबह जाने का है, 6 बजे आपको निकलना है, तो उस वक्त आप इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने ढूंढने लगते हैं कि आपको मतलब ढूंढने में 10-15-20 मिनट आपका लग जाता है। तो उस दिन जो है आपका मन शांत रहे, इसलिए यह जरूरी है कि 8-10 कॉपी आप पहले से करा के रखें, एक दीवार पे चिपका दें, एक नोट्स बुक में रख लें, एक और दूसरी जगह रख लें, कोई ऐसे जो यूनिफॉर्म आप उस दिन पहनने जा रहे हैं तो उस रात्रि के मतलब प्री जो नाइट होती है उसी दिन जो आप उस ड्रेस के जेब में रख लें, तो ये जो है ना सेफ्टी होती है कि भाई जाने के समय जो है हम उतनी हड़बड़ी में ना रहे। तो प्रिंट आउट फॉर्म में आपका ई एडमिट कार्ड होना जरूरी है, ठीक है, वहां पे चेक किया जाएगा। दूसरा है फोटो आईडी कार्ड। देखिए, हर एक एग्जामिनेशन कंडक्ट, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक उसी प्रकार यूपीएससी, जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा तो उस वक्त आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया होगा, चाहे आप आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, तो ये किसी एक डॉक्यूमेंट से जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के समय, मार्च के महीने में फॉर्म भरने के समय जब जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे, चाहे बहुत सारे विद्यार्थी अब आधार कार्ड ही अपलोड करते हैं, किसी ने अगर वोटर आई कार्ड अपलोड किया हो, किसी ने अगर पासपोर्ट्स वगैरह, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था, तो उस आधार कार्ड को आपको अपने साथ ले जाना है ओरिजिनल, ठीक है, ये चीज हो गया। अब आते हैं तीसरी जो है ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में आप प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, अगर आपने यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा, उसमें क्लियर लिखा गया है कि अदर देन द ब्लैक पेन, अगर आप किसी अन्य जो है, देखिए प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस है वो ऑटोमेटिक चेक होता है, मतलब एक मशीन के द्वारा, मतलब ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, उसको कोई आदमी चेक नहीं करता, बस वो मशीन में डाला जाता है, एक बार सबका रिजल्ट निकलते जाता है। तो ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन से ही आपको ओएमआर सीट जो आपको मिलेगा, उसमें आपको जो गोला भरने का काम आएगा ना, वो ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन से ही होगा। तो इसलिए सारे विद्यार्थी ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन, देखिए ये जो पेन है ये ब्लू इन कलर है, बट इसका ब्लैक पॉइंटेड होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ना जेल पेन ले जाए, उसमें भरने में तो आसानी होगा जेल पेन से, लेकिन आपको क्या होगा अगर कहीं सा इधर उधर चला गया, मतलब जेल पेन का इंक जो है ना छिड़ जाता है, तो उससे आपके मार्क्स गलत हो जाएंगे, और वह जो है आदमी कोई चेक नहीं कर रहा होता, मशीनें चेक कर रही होती, उसे तो बस यह गोला दिखाई देना चाहिए कि ब्लैक से भरा हुआ है, अगर यह सही है तो यह सही है, अदरवाइज इसको ऐसे निकल गया तो ये गलत हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन ही ले जाएं, नॉट एनी अदर पेन्स, ठीक है, पॉइंटेड होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये इन चीजों को जो है आप ध्यान में रखें। आगे है टू पासपोर्ट साइज फोटो। देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिसके फोटो साफ नहीं आते, ब्लर आ जाते हैं इन ई एडमिट कार्ड और जो प्रिंट आउट निकालते हैं, तो उसके लिए आयोग ने स्पष्ट कहा है कि आपको दो पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, दो पासपोर्ट साइज फोटो और वही फोटो जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने अपलोड किया था सेम एज इट इज, उस फोटो को अपने साथ ले जाना है। ठीक है, तो वो फोटो जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड किया था वही फोटो जो है आपको अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये जो है ऐसे चार पॉइंट पे अगर आपने एक भी गलती किया तो आपकी जो है इस बार का जो एक साल का मेहनत है वो व्यर्थ जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखें और अधिक समय ना लेते हुए मैं अब यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वन सेकेंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग 2021 UPSC सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। थैंक यू वन सेकेंड, हैव अ ग्रेट डे।